वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अफवाहें फैलाने का, झूठ बोलने का काम करते ही रहेंगे। मेरे साथ कितने सिख भाई बहन खड़े हैं, किसी को पगड़ी पहनने पर कोई रोक नहीं, किसी को गुरुद्वारे जाने पर कोई रोक नहीं, किसी को सत श्री अकाल बोलने में कोई रोक नहीं, किसी को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोलने में रोक नहीं। 84 के दंगों में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, केश काट दिए गए थे, पगड़ियां हटा दी गई थी, उनको मार दिया गया था, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, ये राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के इशारों पर हुआ था। राहुल गांधी जी, आप और आपके परिवार और पार्टी ने केवल सिखों पर यातनाएँ की हैं। राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी देश और विदेश में स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि आज भी वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अफवाहें फैलाने का, झूठ बोलने का काम करते ही रहेंगे। और राहुल गांधी जी, मेरे साथ कितने सिख भाई बहन खड़े हैं, किसी को पगड़ी पहनने पर कोई रोक नहीं, किसी को गुरुद्वारे जाने पर कोई रोक नहीं, किसी को सत श्री अकाल बोलने में कोई रोक नहीं, किसी को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोलने में रोक नहीं, बोले सो लहोर सत श्री अकाल। लेकिन आप विदेशों में बैठे सिख भाइयों या विदेशी लोगों के बीच में जाकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। अरे, देश के अंदर 550वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया मोदी जी ने, गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का, साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। और यही नहीं, SIT हमने बैठाई 84 के दंगों में, 84 के दंगों में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, केश काट दिए गए थे, पगड़ियां हटा दी गई थी, उनको मार दिया गया था, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, ये राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के इशारों पर हुआ था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया था, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। और इस पर SIT का गठन ये इन लोगों ने 30 साल नहीं किया, मोदी जी की सरकार बनी तो 2014 में हमने किया। अब जाकर जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो या अन्य नेता हो, उनके खिलाफ केस भी चले और आरोप भी सिद्ध हो रहे हैं। ये मोदी सरकार ने सिखों को न्याय दिलाने का काम किया है। और राहुल गांधी जी, आप और आपके परिवार और पार्टी ने केवल सिखों पर यातनाएँ की हैं।